मंगलम, यानी कि मंगलम का अर्थ होता है मंगल कार्य करना या मंगल कार्यों के लिए शुभारंभ करना, यानी कि शुभ कार्यों की याचना करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अहम नमामि मातरम, यानी अहम यानी मैं, अहम यानी क्या होता है दोस्तों, अहम यानी होता है मैं, नमामि यानी प्रणाम, प्रणाम, मातरम यानी मातृभूमि को, मातृभूमि को या अपनी माता को, या अपनी माता को, माता को क्या करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, यानी कि सादर प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। ठीक है दोस्तों, करता हूं। ठीक है, अब इसके बाद में गुरुम नमामि सादरम, गुरुम नमामि सादरम, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गुरुम नमामि सादरम, मैं अपने गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूं। ठीक है ना, गुरुम का मतलब गुरु, नमामि का मतलब प्रणाम करना, सादर का मतलब सादर। ठीक है, स्वयं पठामि सर्वदा, सर्वदा का मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेशा। ठीक है ना दोस्तों, सर्वदा का मतलब क्या होता है, हमेशा, मैं हमेशा पढ़ता हूं, मैं हमेशा क्या करता हूं, पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं। ठीक है ना, इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, प्रियं वदामि सर्वदा, प्रियं का मतलब होता है मीठे, प्रियं का मतलब क्या होता है, मीठे वचन, मीठे वचन। ठीक है दोस्तों, मीठे वचन या बादामी का मतलब होता है बोलना। ठीक है, बोलना, बोल ना, मैं हमेशा मीठे वचन बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला जो जो दो जो अपने जो वो थे वो पूरे हुए। अब इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा जो है, हितम करोमि सर्वदा, तो हितम यानी हित करना, करोमि का मतलब होता है करना, और सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, मैं हमेशा हित करता हूं, मैं हमेशा सभी का क्या करता हूं, हित करता हूं। ठीक है, शुभम करोमि सर्वदा, शुभम का मतलब अच्छा, शुभम का मतलब क्या होता है दोस्तों, शुभम का मतलब होता है अच्छा, यानी कि मैं अच्छा कार्य करता हूं या शुभ कार्य करता हूं, या शुभ कार्य करता हूं, शुभ कार्य करता हूं, करता हूं, मैं क्या करता हूं, शुभम करोमि सर्वदा, मैं हमेशा शुभ कार्य करता हूं। ठीक है, विभुम नमामि शारदम, विभुम का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा, या फिर क्या होगा दोस्तों, विभुम का मतलब क्या होगा, परमात्मा, परमात्मा या फिर विभूति, विभूति। परमात्मा, या विभूति, यानी कि जो जो विश्व में व्याप्त जो विभूति है, और मैं परमात्मा को क्या करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमन करता हूं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में गुरुम नमामि शारदम, और मैं अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं हम, चलामि नीति सत पथे,
यानी कि मैं हमेशा नीति के और सत्पत्य का मतलब होता है सत्य के पथ पर, सत्य के पथ पर, पथ पर चलता हूं, चलता हूं। मैं हमेशा क्या करता हूं दोस्तों, सत्य के पथ पर क्या करता हूं, चलता हूं। ठीक है, इसके बाद में हरामी मात्र भू व्यथाम, हरामी मात्र भू व्यथाम, व्यथाम का मतलब होता है बाधा है, विदा है, या जो भी मेरी मातृभूमि पर मतलब संकट आते हैं उनको क्या करता हूं, मैं हरण करता हूं। यानी कि हरामी का मतलब हरण करना या हराना, हरण करना, करना या हराना। ठीक है दोस्तों, हरामी मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब मातृभूमि मेरी, और व्यथाम का मतलब क्या होता है, परेशानी, कठिनाई, कठिनाई, है ना। तो मैं हमेशा अपनी मातृभूमि की पर परेशानियों को, बाधाओं को क्या करता हूं, हरण करता हूं या हराता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपन चलते हैं तीसरे की मतलब छठा जो अपना श्लोक है उसकी ओर चलते हैं। तो इसमें हो गया अपना दधामी साधुता व्रतम, दधामी मतलब मैं धारण, दधामी का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना, दधामी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धारण करना। साधु व्रता यानी कि साधुता को, सज्जनता को, यानी कि साधु व्रता यानी साधुता को या सज्जनता को, साधुता या सज्जनता। मैं हमेशा साधुता को और सज्जनता को क्या करता हूं, धारण करता हूं। ठीक है, सृजामि कीर्ति सत्य कथा, यानी कि मैं हमेशा कीर्ति और सत्य की कथा को क्या करता हूं, धारण करता हूं। सृजामि का मतलब धारण करना या ग्रहण करना या गुणगान करना, गुणगान करना, गुणगान करना, यानी कि सृजामि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुणगान करना। कीर्ति सत्य कथा यानी कि मैं हमेशा कीर्ति और सत्य की कथा का क्या करता हूं, गुणगान करता हूं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखिए प्रभु नमामि सादरम, यानी कि प्रभु यानी परमपिता परमेश्वर जो है, जो ईश्वर है, उसको मैं क्या करता हूं, सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। ठीक है दोस्तों, अहम नमामि मातरम, और मैं अपनी माता को, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारे मंगलाचरण में अपने मातृभूमि, अपने गुरुओं, अपने परमात्मा का गुणगान किया गया है, इसमें उनको सादर प्रणाम करने के लिए कहा गया है कि, और अध्ययन करने के लिए भी इसमें बताया गया है कि स्वयं को हमेशा अध्ययन करना चाहिए, गुरुओं को सम्मान करना चाहिए, और क्या बोलते हैं, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करना चाहिए सभी को। इसी प्रकार हमारे जो इच्छाराम द्विवेदी जी जो हैं, उन्होंने इस मंगलाचरण का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।